मुझे अभी ये शादी नहीं करनी। 2 माह में शादी, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, मेरा मास्टर्स इनकम्प्लीट है, मेरा एक पूरा सेमेस्टर रहता है, मेरी फर्स्ट पोजीशन बन रही है, और अगर मैं शादी के चक्कर में पड़ गई तो मैं अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। कब तक लगाएगा ये आना? क्या मैं पागल हूं क्या? कब तक सुनूंगा? अगर तुम्हें और अब्बा को लगता है कि अंगूठी वापस करके माजरत कर लेनी चाहिए तो मैं किसी मुख्तलिफ सोच का इजहार नहीं करूंगी। मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली और उनके डिसीजंस। थैंक यू। मैं आप लोगों को क्या बताऊं? भाभी खुद इतना परेशान हो गया आपकी बात सुन के। जब मैंने उसे आप लोगों के फैसले के मुतालिक बताया, वो चुप करके घर से उठा और कहीं चला गया। आई डोंट इवन नो वेयर ही इज। उसका फोन भी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो शकीला, यही बातें हैं जो हमें भी परेशान कर रही हैं। हम दुआ से बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि गर्म हवा भी उसे छू के गुजरे, और मुस्तजाब बहुत गर्म तबीयत का मालिक है। उजलत पसंद है, तुम्हारे बेतहाशा प्यार ने उसे अना परवर भी बना दिया गालिबन। बस यही बातें हैं जो हमें इनसिक्योर कर रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं सजाद भाई, ऐसा ही है मेरा बॉबी, लेकिन उसकी एक खूबी तमाम खामियों पे भारी पड़ जाती है। वो जैसे चाहता है टूट के चाहता है। He's very loving. I'm sorry, शकीला। ये हमारी फैमिली का मुत्तफ़िका फैसला है। हम फिलहाल दुआ के लिए किसी मुनासिब रिश्ते का इंतजार करें। दुआ, दुआ, क्या हो गया यार? मुस्तजाब, तुम यहां? तोताही, इसमें हैरत की क्या बात है? मैं यहां नहीं आ सकता। नहीं, एक्चुअली वो दुआ को ये जगह बहुत पसंद है ना, सुकून मिलता है उसको, तो मैं इसीलिए आया था। मैंने सोचा मैं यहां आऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद मुझसे वापस। जानती हूँ, जान गई हूँ। तो तुम्हें पता, जब मैं किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर मैं अपने ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से सवाल करता हूँ कि क्या ये चीज वाकई ऐसी है जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता, और मेरा दिल जो भी मुझे जवाब देता है वो बिल्कुल ठीक देता है। और आप यहाँ ये गौर करने और सोचने के लिए आए हैं कि
क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं या नहीं? हाँ, और मेरे दिल ने जवाब दिया कि बॉबी तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, और जैसे उसने मुझे जवाब दिया मुझे तुम्हारी आवाज आ गई। I've never been this happy in my life before. आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? क्या? दुआ मुस्तजाब हो गई। Thank God, मेरी दुआ मुस्तजाब हो गई। Let's go. तुम्हारी अमानत। मेरे ख्याल में रिंग अब दुआ के पास ही रहे तो बेहतर है। आप लोगों ने वो मशहूर जमाना कहावत तो सुनी होगी कि जब लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी। आप लोग यहां मायूसी की बातें कर रहे हो और वो लोग वहां डिनर की तैयारी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। थैंक यू सो मच, सो मच। आपने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? ऑफ कोर्स तो। आपने कहा 6 months, मैंने कहा ओके। हम जो कहोगे मैं मानूंगा, और मैंने कहा है मैं और भी बहुत बातें मानूंगा। मैं बस ये चाह रही थी कि अभी सिर्फ एंगेजमेंट कर लेते हैं, एटलीस्ट मैं अपना मास्टर्स तो कंप्लीट कर लूं। प्लीज, कैन वी नॉट गेट इनटू फर्दर डिलेस? जस्ट डायरेक्टली डू दैट निका, प्लीज। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। दुआ बेटी, आपको 50 तोले सोना और 50 लाख रुपए हक मेहर के वक्त मुस्तजाब अहमद के निकाह में आना कबूल है? जी कबूल है। दुआ बेटी, आपको 50 तोले सोना और 50 लाख रुपए हक मेहर के वक्त मुस्तजाब अहमद के निकाह में आना कबूल है? कबूल है। दुआ बेटी, आपको 50 तोले सोना और 50 लाख रुपए हक मेहर के वज मुस्तजाब अहमद के निकाह में आना कबूल है? कबूल है। मुबारक हो।
थैंक यू। दुआ तुम चाय लोगी? तुम पियो, तुम पियो। ओके। वैसे तुमने तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था ना, फिर ये काया कैसे पलट गई? अरे ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही थी। भला मुस्तजाब भाई का रिश्ता कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर सच बताओ, ऐसा कौन सा मंत्र पड़े उस पे जो अमरीका पलट मुंडा तुमसे टकरा गया? अजीब अजीब बातें कर रही हो यार। कौन कब किससे कैसे टकराए और उससे अपनी मोहब्बत का असीर कर ले, हमें कुछ नहीं पता होता। ये तो तकदीर है जो पीछे सारी प्लानिंग कर रही होती है, किस लम्हे क्या हो जाए हमें क्या पता। सही कह रही हो तुम, वेरी ट्रू। ओ मुस्तजाब भाई आए बैठे। अरे दुलीप भाई आइए ना प्लीज। आइए। मैं यकीन रखता हूं कि इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है। ऐसे तो नहीं बोले मुझसे जवाब। Why not? तो मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जिसपे मैं यकीन रखता हूं, या कह लो जो मैंने खुद आजमाया हो। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वो प्लानिंग के मातहत होता है। एज लॉन्ग एज प्लानिंग आपने खुद की हो, आपको क्या चाहिए है क्या नहीं, क्या पसंद है क्या नहीं, क्या होना है क्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। So confident, so focused. इसका मतलब खासी तवील लिस्ट होगी अचीवमेंट्स की। बताइए क्या अचीव किया जिंदगी से? दुआ, दुआ। अचीवमेंट्स की लिस्ट तो वाकई काफी तवील है, लेकिन मुझे फिलहाल दुआ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। आप सब लोग पूछ सकते हैं इससे। She was not ready to marry me. साफ मना कर दिया था मेरे मुंह पे। बट मैंने दुआ को हासिल करके ही छोड़ा। Isn't it true? भाई हमें चलना चाहिए, कबाब में हड्डी लग रहे हैं हम। नहीं कह सकती, लेकिन लेकिन मतलब हमारी कोई सोशल बाउंड्रीज भी हैं, दुनिया की रस्में भी हैं, है ना? क्या मतलब? समझ जाएंगे आप। आपने फैसला कर ही लिया है ना कि अब आप पाकिस्तान में रहेंगे अपनों के साथ, हमारे माहौल के साथ। हमारी तहजीब का तकाजा ये है कि फिलहाल हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। तो क्या? तो ये कि हम लोग एक दूसरे से जितना फासले पे रहे उतना अच्छा है हम सब के लिए। कौन सब? आप, मैं और हमारी फैमिलीज। Dua, are you okay? Hmm? What the hell is wrong with you? मैं तुम्हारे करीब आने की जतन कर रहा हूँ। तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें पूरे तरीके से ओन करना चाहता हूँ। दुआ,
क्या मैं इतना भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ? तुम मुंह की फांसते समेटने का नाम ही नहीं ले रही हो दुआ। प्लीज तू आम है और कम है, लड़कियां मुझ पे अपने आप को फेंक दी थी और तुम मुझे मुझसे रिश्ते में बन के भी मुझसे करीब नहीं आना चाहती। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे खुद से करीब होने की इजाजत दो प्लीज। दिल से प्लीज मुस्तजाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम दोनों मियां बीवी हैं, हम लोग इतने काम हैं और यही हमारे रिश्ते की हकीकत है। दुआ दुआ, अरे तुम्हारी सारी दोस्तें चली गई क्या? पता नहीं, यही कहीं थी। छवा तुम आगे आई, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे, आई मीन अपनों की और रिश्तों के एहतराम की, है ना मिस्टर जाब? खाना खा लिया था तुमने? नहीं, आओ बैठो ना। अब थक गए होगे यार तुम लोग सब। हाँ बहुत, खाना भी सही नहीं खाया। खाना खाया? जी अम्मा। मेरी बेटी अभी तक सो ही नहीं, मैं तो समझ रही थी सो गई होगी। खुश तो है ना मेरी बेटी? हाँ बस पता नहीं डबल माइंडेड सी क्यों हो रही हूँ। खुशी तो है लेकिन एक खौफ का एहसास है, जैसे पता नहीं मैं जो फैसला कर रही हूँ दुरुस्त भी है कि नहीं। जब नए नए रिश्ते बनते हैं ना बेटा, तो इस तरह के ख्यालात और जज्बात इंसान के दिल और दिमाग में पैदा होते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये सारा खौफ इत्मीनान में बदल जाता है। He is very different. मैं और वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि हमारी सोच भी बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, लेकिन दुआ डिफरेंट होना कोई बुरी बात तो नहीं है। असल बात तो है इंसान एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करे, एक दूसरे की खुशी का पास करे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने मुस्तजाब को बहुत जगह तुम्हारी खुशी के आगे सरेंडर करते हुए देखा है बेटा। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन उसका रवैया मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। डोंट वरी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, पता नहीं कौन कौन मुबारकबादों के लिए फोन कर रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि शकील और मुस्तजाब का स्टेटस क्या है, उनका खानदानी वकार कैसा है। और कुछ औरतें तो मुझे कह रही थी दुआ का नसीब बहुत अच्छा है, शी इज वेरी लकी। और बेटा जहां तक बात रही कॉम्प्रोमाइज की, तो वो तो इंसान हर रिश्ते में करता है। जैसा कि मुस्तजाब, देखो तुम्हारी खुशी के लिए कि तुम्हारे किसी मामले में तुम्हारा साथ देने के लिए सरेंडर करने से वो पीछे नहीं हटता। तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो उसे समझने की बेटे, देखना जब तुम उसे समझ जाओगी ना और तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। समझ गई? You're always welcome, मेरा बेटा। मैं समझता था सबसे ज्यादा जिद्दी मैं हूं, आज समझ आया मुझसे ज्यादा जिद्दी वो है। मैं समझता था मैं खुद पसंद हूं, आज नजर आया कि मुझसे ज्यादा खुद पसंद वो है। मैं इस तरह कब तक झुक के रहूंगा मां? आप जानती है मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूं। बॉबी कम है, सिट विद मी, कम कम बेबी।
अच्छी तरह जानते हो बॉबी कि तुमने कहीं सरेंडर नहीं किया। हाँ, दुआ को अपनाने के लिए जतन बहुत किए और अब तुम उसे अपना चुके हो। खुद ही बताओ मुझे, तुम्हारा यहाँ सेटल होने का कोई इरादा है? लेकिन फिर भी हमने उन लोगों से ऐसा कहा, यह सरेंडर तो नहीं है। दुआ अपना मास्टर्स कंप्लीट करने से पहले निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुमने रुखसती डिले करने की बात की तो वो मान गई। तो दर हकीकत सरेंडर तो वो लोग कर रहे हैं, और अब सबसे बड़ी हकीकत ये है कि वो तुम्हारी बीवी है। Come on, Mom. बीवी? क्या बीवी? बीवी है। She still behaves like a stranger, a complete stranger. जैसे मुझे जानती ही नहीं है। इसने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है जो मैं अब तक I'm still trying to cross it. अब तक उसको पार करने की कोशिश कर। That's so funny. No, it's not. It is. It is not. And listen to me. रुखसती और निकाह के बीच में जो फर्क है, इसे तुम्हें समझने की जरूरत है। वो तुम्हें अपने इर्द-गिर्द बनी लाइन क्रॉस करने देगी तो निकाह और रुखसती में फर्क क्या रह जाएगा बॉबी? Oh come on, mom. What happened? आप तो ऐसे बात करिए जैसे मैं उसको पता नहीं लेके जाके कहीं किडनैप करके व्हाट? एक इंसान के अंदर किसी के सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट करने की हिस्से नहीं है। इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। ऐसे जैसे किसी के साथ दो मोमेंट्स को एंजॉय करने की तो उसके असूलों को आग लग जाएगी। फॉर गॉड्स सेक, व्हाई डजंट शी अंडरस्टैंड मी? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर वो इतनी आम और बेकीमत लड़की होती तो मैं उसका इंतखाब करती तुम्हारे लिए। यू हैव टू थिंक कि तुम्हारी माँ ने आखिर इसी लड़की को क्यों चुना तुम्हारे लिए? क्यों पहली नजर में वो तुम्हें अट्रैक्ट की? क्यों दूसरी मुलाकात में तुम उसके दीवाने हो गए? बेटा, जो चीज आसानी से हाथ आ जाए इंसान उससे कभी मुतासर नहीं होता। ये हया, ये शर्म, ये अपनेपन की हिफाजत, यही वो कीमती डायमंड्स है जो उसके वजूद से जुड़कर उसे कीमती करते हैं। एनीवे, मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम्हें दुआ जैसी जीवन साथी मिली। I'm happy, Dee. But I think मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। And I just don't like her brother. Dayan, he's such a good soul. उससे क्या problem है? I don't know. He always behaves like जैसे उसका दुआ पर सबसे ज्यादा हक है और मेरा नहीं। जैसे वो दुआ से सबसे ज्यादा close है और मैं नहीं। Come on. Wrong. मैं उसे बहुत जल्दी बता दूंगा कि दुआ सच में है। अस्सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज देर से उठे? रात भर सही से सो नहीं सका। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? बस एक ही सोच तंग कर रही थी। अच्छा, वो क्या? दुआ चंद्र उसकी ही मेहमान है इस घर में। उसके बाद वो अपनी नई जिंदगी बसाने चल जाएगी। कितना अजीब सा लगेगा ये घर उसके बगैर। अच्छा, बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि मैं दुआ की रुखसती के फौरन बाद ही अपनी बहू ले आऊंगी। घर को सुना थोड़ी होने दूंगी मैं। भाई ऐसा करो, तुम अच्छी सी नौकरी ढूंढना शुरू करो और मैं अपने लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढना शुरू करती हूँ, कैसा? वैसे आपको बॉबी कैसा लगे? बॉबी मुस्तजाब मेरा दामाद है, मुझे तो अच्छा लगेगा। बहुत खासा जज्बाती से जल्दबाज है शायद।
इसलिए भी जल्दी करता है, रद्द अमल भी जल्दी, मोहब्बत भी जल्दी, गुस्सा भी जल्दी। मुझे लगता है कि उसमें सुकून, ठहराव और तहम्मुल की कमी है। पता नहीं क्यों मैं दुआ के लिए थोड़ा फिक्रमंद हो रहा हूं। दाई, मुझे लगता है तुम दुआ को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। देखो बेटा, दुआ अब मुस्तजाब की मनकूहा है। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दो। मैं जानती हूं कि तुम्हारा और दुआ का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत शिद्दत वाला है। देखो दाई, जब नए रिश्ते जुड़ते हैं ना जिंदगी में, तो पुराने रिश्तों को उन्हें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। इससे रिश्ते भी कुशादा हो जाते हैं और दिल भी। अच्छा ये बताओ, नाश्ता क्या करोगे? अभी ठहर के करता। अच्छा चलो ठीक है, मूड अच्छा करो, चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। ये तो चले इसका खाता हो गया ना, अब आप मुझे एक काम करें, भाड़े का खाता ला के देंगे? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आप मुझे फोन करेंगी, पर ख्याल आया क्यों करेंगी। बकौल मेरी मामा के, आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं। तो खुद ही चला आया। प्लीज बैठिए। थैंक्स। मिस्टर जाब, मैं बिल्कुल भी खास नहीं हूँ, मैं एक बहुत आम सी लड़की हूँ। दुआ, शायद आप भूल रही हैं कि मेरे दिल ने इस बात की गवाही दी है कि आप बहुत खास हैं, और अगर आप ना होती तो ये दिल आपको अपनाता नहीं। अच्छा होता है मिस्टर जाब जब कोई दिल से बहुत खास लगता हूँ, उसके ख्यालात और उसके जज्बात को समझना चाहिए। अब वक्त है कि एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम किया जाए, और ये एहतराम ही है जो हर रिश्ते को दायमी मजबूती देता है। कहीं बाहर चले? आपको हमारी ये जगह अच्छी नहीं लगती? बहुत पसंद है। In fact, I love it. आपको पसंद है? मुझे आपसे जुड़ी हर चीज पसंद है। सिवाय? सिवाय? Forget it. क्या हम कहीं आउटिंग पे नहीं जा सकते? मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं। या आप कह लें तो मैं अभी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं इतनी उलझी भी तो नहीं हूं मुझसे जाब, क्या आप मुझे समझने की कोशिश करें? लेकिन मैं फिर भी आपके साथ चलती हूं, शायद मैं आपको समझ सकूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। जगह मेरी पसंद की होगी। चमी डाबा। नहीं, आपके पेट को खुश नहीं करना, आपकी रूह को खुश करना। राइट। तो आप कह रही हैं कि रूह भी खुश होती है? क्यों नहीं। श्योर।
तो मैं आपके साथ कहीं पे भी जाना पसंद करूंगा। मुझे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है, मेरी खुशी आपके साथ है। मैं अम्मा को बता कर आती हूँ। श्योर। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये मिस्टर जाब, ये एक छोटा सा गांव है, बहुत ज्यादा आबादी नहीं है यहाँ, 100 के करीब घर होंगे बस। ब्यूटीफुल है ना, अच्छी है ना? आई मीन पता नहीं क्या कुछ एक्सप्लोर किया होगा तुमने यहाँ। अरे हमारी जमीन है, दयान और मेरी पैदाइश पर यहाँ के लोगों ने अब्बास से दरख्वास्त की थी एक मस्जिद बनवा दे। पहले वाली बहुत छोटी और पुरानी हो गई थी ना, तो बस ये मस्जिद अब्बा ने तामीर करवाई है, इसलिए हमारी फैमिली की मनपसंद जगह है। ओके, नाइस। अच्छी है ना? अरे गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? चलो ना अंदर, चलो चलो अंदर। वाह, हम लोग अंदर जाके क्या करेंगे? अरे यार, शुक्राने की नफल अदा करेंगे, और क्या करेंगे? What? शुक्राना? हाँ। उफ यार, बहुत ही अंग्रेज है भाई। चले, मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह लेके जाओगी ना तो तुम्हारे साथ जान तक जाऊंगा मैं। अच्छा बस मस्जिद के बाहर खड़े हैं, चले। आई ना, प्लीज एक स्पेशल जगह। दुआ, वी कुड बी एनीवेयर एल्स राइट नाउ। नहीं, मेरी फेवरेट जगह है, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं ना। ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। यहां लेके आना था मुझे आपको। फाइनली वी आर हियर। हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी। अरे शूज तो उतारे। ओह माय गॉड दुआ, यू स्केयर्ड मी। क्या ये फॉर्मेलिटी में पढ़ना जरूरी है मेरे लिए? ऑब्वियसली, आप पहले मस्जिद नहीं आए क्या? नहीं, ऑफ कोर्स आया हूँ, बचपन में डैड के साथ कभी। क्या मुझसे कुछ कह रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो क्या? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ मुझसे जाओ। वैसे फेथ भी कैसी चीज है ना दुआ, इंसान को खुद से बातें करने पे मजबूर कर देता है। उधर जाने चले। आए वजू करते हैं। क्या कर रहे हैं? वजू करें ना मुस्तजाब। या हंस क्यों रहे? नथिंग मुस्तजाब, वजू ऐसे नहीं करते हैं। आई नो, कैसे करते हैं? हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, धोते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, बैठो बैठो, मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं वजू। अस्सलामुअलैकुम इमाम साहब। जीती रहो बेटे, जीती। कैसे बेटा? कोई भी काम करते हैं ना तो सबसे पहले इरादा करते हैं उसका। अच्छा काम करना होता है तो उसकी नीयत करते हैं। ये जो नीयत होती है ना, कोई मामूली बात नहीं होती, अपने रब को मुखातिब करना होता है। रब को जब मुखातिब करते हैं तो रहमतों के नजूल शुरू हो जाते हैं, समझे? कोई बात नहीं, ये कोट उतारो और आस्तीन ऊपर करो। Thank you.
क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मिस्टर जाब, हैरत है, आप लाइफ में कभी मस्जिद नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी इबादत नहीं की, ये कैसे हो सकता है? कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम साथ करेंगे। याद है एक मर्तबा आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स याद है, तुम्हारी कहीं भी बात कैसे बोल सकता हूँ। तुम्हारी लिस्ट में मैं सबसे ऊपर अपना नाम सुनना चाहता था, जो कि कहीं नहीं था। आपको पता है मैं अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। Then I must finally thank God कि तुमने किसी गोश पोस्ट के इंसान का नाम लिए दे दिया मेरे सामने। पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती, शायद जान से मार देता। तुमने गॉड का नाम लिया ना, ठीक है, तुम जितना चाहो अपने गॉड से प्यार करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे गॉड के बीच में कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन दुआ, इंसानों की लिस्ट में तुम्हारा नंबर वन हमेशा मैं होगा। मेरे और मेरे गॉड के बीच में नहीं आएंगे? गॉड आपका भी तो है ना मुस्तफा साहब, आप भी तो उसी की मखलूक हैं। मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ दाई, वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, इतना कि मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लड़कियों की माएँ दुआएं करती हैं अपनी बेटियों के नसीब खुलने की, और एक मैं हूँ, बिन मांगे ही आसमान का चमकता चांद मिल गया मुझे। मैं यकीन के रास्ते पर सच्चाई की रोशनी के साथ चलने की कोशिश करती हूँ, और वो अनजान पुरखतर रस्तों पर बिना सोचे समझे दौड़ने का आदि। तुम इस मामले में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो, और जिन मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हुआ जाए वो रिश्तों को ख़राब करते हैं। अगर आज आपने मुझे जाने नहीं दिया, मैं सारी ज़िंदगी आप पे एतबार नहीं कर सकूँगी। और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। अगर तुम इसी तरह अंधाधुंध आगे बढ़ते रहे तो खो दोगे दुआ। दुआ को मुझसे कोई नहीं छीन सकता।